मैं हूँ डिस्ट्रैक्शन का रावण। अरे बालक, ये क्या कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई करके किसी को कुछ मिला है आज तक? मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम फन करो, पार्टी करो, अपना टाइम वेस्ट करो, ताकि तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाए। वी आर विद्वान समवेयर, बट डिपेंड करता है कि हम अपने अंदर का बुराई को यूज करते हैं या अच्छाई को यूज करते हैं। अगर हम बुराई को यूज करेंगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन कोई ना कोई राम आके उसका नाश जरूर करेगा और हम लोग ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको अपने फोकस से हटाते हैं, अपने करियर पाथ से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनसे दूर रहिए। उन्हें उन रावण को अपने अपने से दूर कीजिए और राम को अपनाइए। इस दशहरा इवेंट जिसमें हमने दिखाया कि अनएम्प्लॉयमेंट की हार, और उसमें हमने एक डिस्ट्रैक्शन वाला रावण बनाया और फोकस और डेडिकेशन वाला राम बनाया, जिसमें हमने ऑफकोर्स डिस्ट्रैक्शन वाले रावण का अंत किया और राम की जीत हुई, डेडिकेशन की जीत हुई, फोकस की जीत हुई। कि डिस्ट्रैक्शन वाले रावण को अगर आप मारना सीख गए और अपने अंदर के फोकस और डेडिकेशन वाले राम को जिताना सीख गए, उसके साथ दोस्ती कर ली जाए, तो अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। डेडिकेशन रहोगे तो ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही जाएगी। तुसी अपने अंदर दे रावण नू ख़त्म करना है, जिहड़ा अहंकार है, अहंकार नू छड़ के अच्छी सोच वल जाना वै कि तां ही असीं मतलब समाज दे विच विचर सकदे आ, अपने अहंकार द्वारा के सारे लोगों को बराबर समझ सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुखविंदर सिंह है जी। बहुत अच्छा लगे, मैं प्राउड फील कर रहा। इन्होंने मैक इंस्टीट्यूट ने जो सू इनविटेशन दिता, मेरा बेटा इतने इन्हों को कोर्स कर रहा VFX और जोड़े इन्होंने कोर्स चल रहे हैं। इन्हों का बहुत अच्छा थीम से जोड़ा कि एक डिस्ट्रैक्ट जो साढ़े अंदर का रावण है जोड़ा सूँ किसी दूसरी चीज़ डिस्ट्रैक्ट करता, अपने काम से फोकस नहीं कर दिता। और राम इन्होंने जो राम रखा जोड़ा फोकस और डेडिकेटेड जिन्होंने राम कहा गया, और वो मतलब डिस्ट्रैक्ट नू फोकस जिहड़ा डिस्ट्रैक्ट नू हटा के उहदे उत्ते जिहड़ी जित प्राप्त करनी है, जिदा अच्छाई दी बुराई उत्ते जित हुंदी है। सो इन्हां दा बहुत वधिया इनिशिएटिव सी जिहड़ा इन्होंने, एक अलग तरह दा इनिशिएटिव लियांदा, ते आई एम वेरी थैंकफुल टू मैक फैमिली। किद्दां लग रिहा जिवें कि आपका जो बेटा है वहां पे यहां पे? हां, अच्छा लग रहा जी। उन्हें रीसेंटली ज्वाइन किया 2 महीने पहला, और काफ़ी उदी इंप्रूवमेंट है और अच्छा गेन कर रहा है, और मैं उम्मीद करना कि जोड़ा टेन्योर है कोर्स का वो अच्छा गेन करेगा ये। और एक ये पुरानी इंस्टीट्यूट है जी, FTech इंस्टीट्यूट होंगी सी, ये मतलब हैगा मैक इंस्टीट्यूट, और अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छी डिग्री लैके इतों निकलेगा जी। और अज के इस स्पैशल डेज से मैं मैसेज देना कि तुम अपने अंदर के रावण को ख़त्म करना, जोड़ा अहंकार है, अहंकार को छड़ के अच्छी सोच वल जाना वै कि ताई असी मतलब समाज के विच विचर सकते हैं, अपने अहंकार द्वारा के सारे लोगों को बराबर समझ सकते हैं। मेरा नाम आकाश शर्मा है और मैं 3 मंथ से मैक में ज्वाइन किया, मुझे 3 मंथ हो चुके एक्चुअली। मेरा किरदार था रावण। एक्चुअली हमने ये थीम गुड एंड बैड दिखाई है और उसको हमने दशहरे के साथ जोड़ दिया है, तो इसलिए हमने गुड साइड को राम दिखाया और रावण जो मेरा कैरेक्टर था बैड, बेसिकली डिस्ट्रैक्शन का रावण। तो की मैसेज देना चाहूँगे मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा जो हमारे थीम के अकॉर्डिंग था, कि आप अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको अपने फोकस से हटाते हैं, अपने करियर पाथ से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनसे दूर रहिए। उन्हें उन रावण को अपने अपने से दूर कीजिए और राम को अपनाइए। मेरा नाम रिया अरोड़ा है और मैं मैक लुधियाना सेंटर की डायरेक्टर हूँ, और आज हम लोगों ने दशहरे पे बहुत ही स्पेशल इवेंट किया था। जैसे कि हम हर बार देखते हैं बुराई पे अच्छाई की जीत, हमेशा सेलिब्रेट ऐसा ही करते हैं, लेकिन आज हम अपने, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो स्टूडेंट बेस्ड इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे एनिमेशन VFX की पढ़ाई कराई जाती है और ब्रह्मास में भी रिसेंटली हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ने काम किया है, तो ये देख के बहुत प्राउड फील होता है। तो हमने ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारे यहाँ के सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पर बहुत अच्छी जगह पर वर्किंग हैं, जो मेहनत करते हैं वो
वर्किंग हैं। सो हम लोगों ने उसमें ध्यान में रखते हुए एक इवेंट क्रिएट किया विच इज़ दशहरा इवेंट, जिसमें हमने दिखाया कि अनएम्प्लॉयमेंट की हार, और उसमें हमने एक डिस्ट्रैक्शन वाला रावण बनाया और फोकस और डेडिकेशन वाला राम बनाया, जिसमें हमने ऑफकोर्स डिस्ट्रैक्शन वाले रावण का अंत किया और राम की जीत हुई, डेडिकेशन की जीत हुई, फोकस की जीत हुई। तो इसके द्वारा हम पूरे लुधियाना के स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप अपने अंदर का फोकस और डेडिकेशन का राम को जिता दो, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, और अपने अंदर के डिस्ट्रैक्शन वाले रावण पे हाराना उसको सीख लो, मतलब इन शॉर्ट बोले तो कि डिस्ट्रैक्शन वाले रावण को अगर आप मारना सीख गए और अपने अंदर के फोकस और डेडिकेशन वाले राम को जिताना सीख गए, उसके साथ दोस्ती कर ली जाए, तो अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। डेडिकेशन रहोगे तो ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही जाएगी, और स्किल्स आर द बेस्ट वे। तो हम लोग यहाँ पे स्किल्स प्रमोट करते हैं, तो हमने अपनी वीडियो में भी काफ़ी स्किल्स दिखाया है, VFX दिखाया है, शूट किया है, स्क्रिप्ट तक हमने लिखी है मिलके, हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करी है इसके अंदर। सो ये बहुत ही क्रिएटिव इवेंट बन चुका है, हम लोग क्रिएटिविटी की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और क्रिएटिविटी ना दिखाएं ऐसा हो नहीं सकता। तो पूरी वीडियो भी हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, और वो वीडियो से आपको बहुत अच्छा एक मैसेज ज़रूर मिलेगा। मैक लुधियाना और मैक जलंधर की टीम्स की तरफ से सारे स्टूडेंट्स को, सारे टीचर्स को, सारे ही यूथ को, सभी को बहुत 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 दशहरे की शुभकामनाएं, विजयदशमी की शुभकामनाएं, एंड मैं लुधियाना लाइफ का बहुत थैंकफुल करती हूँ कि उन्होंने ये चीज़ को, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए मेरा साथ दिया और आज ये यहाँ पर आए और मेरे इवेंट को और चार चांद लगा दी। क्योंकि जब इस तरह के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, इस तरह के चैनल हमारे साथ जुड़ते हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत उत्साहित फील होता है और हमारे मैसेज को पूरे लुधियाना तक पहुँचाने के लिए भी हमें हेल्प मिलती है। सो थैंक यू सो मच लुधियाना लाइफ।